विकास का ढिंडोरा पीटने वाले, जरा अपने आंखों से पट्टी तो हटा लो। इस समय क्या चल गया? अरे मेरी आपको सड़क में डुप्पल लग रहे हैं, टंगा बाया टुटू लग रही है, सारे बंदे गिरा है, सबका चोट लाग गया, टांग बाहर टूटा है, फुटे बातुरा है, कोई बंदा नहीं बसते। दो ही ट्रक क्या चले गए जी, आपकी सड़क बन गई, कहाँ से बन गई सड़क, आप दिखाओ कैमरा के, कहाँ से बन रही है सड़क? तो थे लेकिन सुनाई नहीं है, कैमरे के सामने आंदे नहीं, मना तो साल हो गए लीला ने कैमरे के सामने देखे। ये सड़क नहीं है जनाब, गड्ढों में सड़क। अगर ठेकेदार सक्षम नहीं है काम करने में, उसका टेंडर रद्द कर दो, दोबारा किसी और टेंडर लगा दो। जो था उससे भी बेघर हो गए हम, तो जो हमारा घर था उससे ही बेघर हो गए, क्या मतलब है? दो पत्थर रखकर, लड्डू चढ़ाकर, भोग लगाकर चले गए, लेकिन उन दो ईंटों के बाद एक ईंट यानी तीसरी ईंट इस रोड पर नहीं आई। लीलाराम तो अपना घर बैठे, उसने कहो अपनी गाड़ी लेकर उरा आवेगा, फिर बेरा लग गया भाई, किस तरह उसकी बहू ने कहो मोटरसाइकिल पर उरा आवेगी, उसका गले बैठ गया, लोगों की बहू किसी की बीमार है कोई बूढ़ा, उन्हें एक बारी बोलो तो भाई चल ठीक है कोठी होगी पर होगी उरा ना, कभी एक बारी दौरा तो करो। जब ईट लाड आया, जब भी परी ने ला दी भाई, खड्डा का नहीं आना पड़ा, फोन कर दिया इसका एस्टिमेट चेंज कर दो, लेकिन एस्टिमेट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अभी ठेकेदार अधिकारी और विधायक तमाम अधिकारियों से बातचीत की गई है, लेकिन नतीजा निकला तो सिर्फ और सिर्फ विधायक जी को भी यही बात कहना चाहूंगा, और अधिकारियों की लापरवाही तो है ही है भाई, जब आपने उद्घाटन कर दिया तो उसके ऊपर एक्शन तो लो, उद्घाटन तो आपकी मौजूदगी में है, आप लोग ही सकते हो जब तो अधिकारी काम करेंगे। मनोहर लाल खट्टर जी जरा कान खोल लीजिए और सुन लीजिए इन लोगों की पुकार जो आपको बार बार कोस रहे हैं। विकास का ढिंडोरा पीटने वाले, जरा अपनी आंखों से पट्टी तो हटा लो। इस समय कैथल के देवीगढ़ रोड पर मौजूद हैं, या ये कहूं कि उस सड़क पर मौजूद हूं जहां आपने कैथल के इतिहास में पहली बार सुना या देखा होगा जो चीज आज हम दिखाने जा रहे हैं। ये सड़क नहीं है जनाब, गड्ढों में सड़क है। आज उससे परेशान होकर जो देवीगढ़ रोड के जो निवासी है उन्होंने जाम लगा दिया, विधायक के पास काफी बार गुहार लगा चुके हैं, अधिकारियों के दरवाजे पर काफी बार जा चुके हैं, लेकिन कानों तक जू नहीं रहेंगी। और भाजपा सरकार ढिंडोरा पीटती है कि हमने विकास की गंगा बहा रखी है, अब वो गंगा कहाँ बहा रखी है ये भी कहीं ना कहीं जो ड्रोन है उससे देखना पड़ेगा, लेकिन जब धरातल पर उतर कर देखा जाता है तो ये हालात पैदा होते हैं जो हालात खट्टर साहब खुली आंखों से नहीं देख सकते या आंख होते हुए अंधा होने का ढोंग करते हैं। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सिंह, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, अगर आप वाकई में विकास करवा रहे हैं तो क्यों नहीं अधिकारियों पर लगाम लगा पा रहे, क्यों अधिकारी आप लोगों की नहीं सुन पा रहे, अगर सुनते तो आज ये आलम ना होता जो आलम आज देवीगढ़ रोड का है। काफ़ी बार विधायक को भी शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, लेकिन आपको बता दें कि कैथल के विधायक लीलाराम द्वारा 3 महीने पहले इसका उद्घाटन शिलान्यास कर दिया गया था, दो पत्थर रखकर, लड्डू चढ़ाकर, भोग लगाकर चले गए, लेकिन उन दो ईंटों के बाद एक ईंट यानी तीसरी ईंट इस रोड पर नहीं आई। लेकिन भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जरा कान खोल लीजिए और सुन लीजिए इन लोगों की पुकार जो आपको बार बार कोस रहे हैं। मेरी आप सड़क में डुब्बन लग रहे हैं, टंगा बाया टुटन लग रही है, हाँ? इन सारा की बनाओ भैया सड़क, न्याने वहाँ घेर दिए, टंगा बाया टूटने लग रही है, बूढ़े ठेरिया की इतना टाइम से दिक्कत है ये, हाँ इतने दिन हो गए, कम से कम भी महीना हो गया भाई, दुखी हम देना है पानी से वहाँ दुखी, और इससे यार दुखी सड़क से सारी टूटिया पड़, हाँ कोई बात है यार, ना पाड़ पाड़ का तो घेर दी, ना बना तो दे बना तो जो इतनी मेहनत कर रखी है लोग सबका चोट लग गया, टांग बाहर टूटा है, फुटे बातुरा है, कोई बंदे नहीं बसते हैं, ये कोई बात थोड़ी है भाई, बंदे नहीं है हमरा बाहर दिया ब्रेड दिया, कुछ बनाना नहीं कुछ करना नहीं। आजा आजा। अच्छा जी, देवीगढ़ रोड का रहने वाला हूँ, यहाँ पे लीला राम जी आए
पीछे चौक पर आए थे, दो ही ट्रक का चले गए जी, आपकी सड़क बन गई। कहाँ से बन गई सड़क आप दिखा हो कैमरा, कहाँ से बन रही है सड़क? इतना इतना गोड्डे गोड्डे पानी आ जाए, पूरा का टेंडर पास कर दिया, जैसे भी गला सारी पाड़ का ट्रैक्टर ट्रालियाँ गला भर के बेच दी, सारी बार बेच दी, जो था उससे भी बेघर हो गए हम तो, जो हमारा घर था उससे ही बेघर हो गए। क्या मतलब है? क्या मांग तो ये है, कम से कम चलने लायक तो सड़क, इसमें तो चलता चलता आदमी डूब से, एक लेडीज की बाँह टूट गई, एक रिक्शे वाला था बेचारा, रिक्शा गिर गई, बेहोश हो गया, उसका घर वाला कोई या कोई मर गया, कौन जिम्मेदार है? एक ट्रैक्टर वाले चला ओवरलोड, कल ट्रैक्टर एक लकड़ गिर गया ऊपर, किसी को ऊपर गिर गया, कौन जिम्मेदार है? लीला राम तो अपना घर बैठे, उसने कहो अपनी गाड़ी लेकर उरा आवेगा, फिर बेरा लग गया भाई, किस तरह उसकी बहू ना कहो मोटरसाइकिल पर उरा आवेगी, उसका गला बैठ गया, लोगों की बहू किसी की बीमार है कोई बूढ़ा, उन्हें एक बारी बोलो तो भाई, चल ठीक है कोठी होगी पर ना होगी ना, कभी एक बारी दौरा तो करो, तो नहीं जब ईट लान आया, जब भी परी ने ला दी भाई, खड्डा का नहीं आना पड़ा के बात, उन्होंने वोट मांगने तो उन्होंने आई थी, उसकी उसकी वाइफ वोट मांगने के लिए आई थी रात ने, हमने समर्थन दिया, हमने वोट भी करी सारे ने, जदे जीते हैं, फिर इसका मतलब यह थोड़ी है कि भाई एक बारी जीत गया अगले उल्लू बना दो लोगों का, ये तो नहीं। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आपके सामने है, देखो कम से कम 5 किलोमीटर का यहाँ से लेकर फाटक से लेकर पूरा देवीगढ़ कवर हो रहा है, इसमें दूर तक सड़क टूट रही है, कोई भी जितना व्हीकल है अपने यहाँ से जावा गांव के ड्योड खेड़ी अपना पीछे गांव हो गए यहाँ से गुजरते हैं, सारा परेशानियाँ सबको है, लेकिन बेचारे कोई बोल नहीं पाता, बीजेपी सरकार के सामने डरते हैं सारे लोग। हाँ तो किसी अधिकारी से ओवरलोड, सब मैक्सिमम ओवरलोड बहुत ज्यादा इस रोड पर ज्यादा है, कैथल में मैंने सारे नोटिस करे, सबसे ज्यादा लोड ही सड़क पर है। कितने साल पहले बनी थी सड़क? सड़क भाई हमारे जन्म से पहले बन रही है सड़क। विधायक से अधिकारियों से मुलाकात की, उनके से बात की गई, वो क्या कहा गया उनके? कोई जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। विधायक के पास गए? गए तो थे लेकिन सुनाई नहीं है, कैमरे के सामने आंधे नहीं, मैंने तो साल हो गए लेला ना कैमरे के सामने देखे। सड़क पहाड़ी है, वह 112 दिखा दो, वह भी एक प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी है, वो भी मतलब ये नहीं है कि बीजेपी सरकार के जाएगा बीमारी, देख कितनी डूब रही है वो गड्डी, देखियो देख पानी में कितनी डूब रही है। तो मौजूदा एमसीओ से मिले हो, उनके द्वारा कुछ कहा? एमसी हमारे साथ है जी, एमसी हमारे साथ है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत बस यही है भाई, सरकार में कोई हमारे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा, पहाड़ के गेट दी दुना मर तो पहले ठीक थी है, सुरजल ने कैथल मिनी चंडीगढ़ बना दिया था, और इसने यू राजस्थान बना दिया कैथल। हाँ जाम लगा दिया सड़क की, हालत खस्ता है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं बन पा रही? देखिए मोहन जी मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, ये सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आती है, और माननीय विधायक जी ने इसका पिछले 3 महीने पहले उद्घाटन करा था, तो उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन इसके ऊपर द्वारा ना तो ठेकेदार के द्वारा कोई कार्रवाई करी जा रही, इस रोड को पाड़ के ले गए, इतने बड़े बड़े खड्डे हो गए, यहाँ से निकलना बिल्कुल मुश्किल हो रहा, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा, पानी भरा रहता है, और हमने इस बारे में जेई एसटीओ एक्शन सबको अवगत करा लिया, फ़ोन पे मैं डेली दूसरे तीसरे दिन बात कर रहा हूँ, ठेकेदार से भी कर रहा हूँ, जेई से भी कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं भी आज शुरू कर देंगे, कल शुरू कर देंगे, एक दिन जेसीबी भेज दी, अगले दिन फिर रोक दी, बोले जी बारिश आ गई, बारिश का बहाना बनाने के बाद कोई काम नहीं कर रहे, हमने लगातार उनके साथ संपर्क कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर हम तो ये कहना चाहवा भाई, अगर ठेकेदार सक्षम नहीं है काम करने में, उसका टेंडर रद्द कर दो, दोबारा किसी और टेंडर लगा दो, काम करने में सक्षम नहीं है, बारिश का बहाना लेके आज भी धूप आपके सामने, अगर इस रोड को चलने योग्य तो बना दो, चलो बारिश है लेकिन इन खड्डों को तो भर दो भाई, लोग तो आवाजाही तो अपने कर लें ठीक ढंग से, हम तो यही आपके माध्यम से यही आवाज़ उठाना चाहवा भाई, ये लोग इतने परेशान हैं, आज इन लोगों ने जाम लगाना पड़ गया भाई, उस ये जाम की स्थिति क्यों बनने दें, उससे पहले इस रोड को बना दो। उद्घाटन कर दिया गया, काम नहीं शुरू किया गया, कहीं ना कहीं विधायक जी ने अधिकारियों से बातचीत नहीं की, अधिकारी विधायक से बातचीत की गई? देखिए मैंने भी बात करी थी जेई साहब से और विधायक जी से बात करी थी, तो उन्होंने बात करी भाई यहाँ के कुछ हमारे साथ वार्ड के लोग गए थे भाई ऐसे ऐसे करके, ये जो RCC के पत्थर हैं उनकी बननी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ भारी व्हीकल आ वो उबड़ खाबड़ जहाँ लोग गिरा, तो भाई तारकोल की सड़क बनाई जाए, तो विजय जी ने एक्शन साहब को फ़ोन कर दिया भाई इसका एस्टीमेट चेंज कर दो, लेकिन एस्टीमेट के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, अभी तक एड ऑफिस में एस्टीमेट बन के ही नहीं गया। तो जिम्मेवार किसके मानते हो आप? देखिए मैं तो विधायक जी को भी यही बात कहना चाहूँगा, और अधिकारियों की लापरवाही तो है ही है भाई, जब आपने उद्घाटन कर दिया तो उसके ऊपर एक्शन तो लो, उद्घाटन तो आपकी मौजूदगी में हुआ, आप लोग ही सख्त हो गए जब भी तो अधिकारी काम करेंगे, वैसे तो अधिकारी लापरवाही करते रहते हैं, उनको किसी प्रकार कोई असर ही नहीं है, क्योंकि उनको तो यहाँ निकलना ही नहीं है,